एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम मशरूम पेंटिंग की सेकंड पार्ट बनाना सीखेंगे। इसमें मैं एक बड़ा एक छोटा मशरूम बना रही हूँ। सो पहले आपको एक बेसिक सी ड्राइंग क्रिएट करनी है, ओके? एंड जब भी आप ड्राइंग बनाते हो तो बहुत लाइट ड्रॉ करना है, आपको हैंड को बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है, ओके? ताकि आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा डार्क ना आए, और अगर आपको बीच में थोड़ा सा भी इरेज करना है उसके पेंसिल मार्क्स ना आए, ओके? इसलिए हमें बहुत लाइट ड्रॉ करना होता है। तो एक बेसिक सा स्केच मैंने तैयार कर लिया यहाँ पे, और ड्राइंग कलरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लाइट ड्राइंग को थोड़ा सा लाइट कर लेना है, ठीक है? इसमें मैं मशरूम ऑरेंज रेड कलर में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ पहले, ऑरेंज एंड थोड़ा सा येलो कलर उसमें मिक्स करना है। पहले अगेन आपको बहुत लाइट टोन में उसको लेके जाना है, बहुत कम कलर यूज़ करना है। तो स्लोली मैं उसमें थोड़ा सा और कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है? बॉटम पार्ट पे वही सेम कलर थोड़ा सा लाइटली यूज़ कर रही हूँ, और जो उसकी स्टैम्प है उसमें भी कहीं कहीं पे येलो ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ। बस इसको आपको वाटर के साथ स्प्रेड करते जाना है। कहीं पे भी हार्ड लाइंस नहीं शो करनी, उसको प्रॉपर साथ साथ में मिक्स करते जाना है। तो इसी कलर में मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करा है, बर्न साइन ना, ओके? इसको भी कहीं कहीं पे आपको डार्क टोन दिखाने के लिए ऐड करना है। तो अभी टॉप पार्ट के लिए मैं उसमें सेम कलर में थोड़ा सा वर्मिलियन ह्यू कलर ऐड कर रही हूँ, विच इज़ रेड कलर, ओके? इसको भी मर्ज करना है प्रॉपर। तो बस कहीं कहीं पर मैं थोड़े थोड़े से टोन्स ऐड करते जा रही हूँ। वैसे ही सेम टेक्निक आपको स्मॉल मशरूम के लिए यूज़ करनी है, ओके? पहले कम कलर लेना है, वाटर के साथ स्प्रेड करना है उसको, सेम थिंग आई एम डूइंग इन द स्टैम्प। फिर थोड़ा सा उसमें मैं येलो ऑकर मिक्स करा है, येलो ऑकर ब्राउन एंड ऑरेंज, उसको भी अच्छे से स्प्रेड करना है, ओके? फिर उसी कलर में मैंने ब्राउन एंड रेड कलर मिक्स करा है, इसको और डार्क दिखाने के लिए, ठीक है? तो टॉप पार्ट में रेड एंड ब्राउन कलर मिक्स करके उसको अप्लाई करना है, और साथ में उसको थोड़ा सा मिक्स कर देना। बट हमारा पेपर ऑलरेडी थोड़ा सा वेट है, तो आपको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। स्टैम्प के लिए भी मैं थोड़ा सा और डार्क कलर बना रही हूँ, जो कि मैंने बर्न साइना एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ बनाया है। दोनों को मिक्स करना है, आप कोई भी ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो, बस एक टच ऑफ ब्लू ओनली, ओके? उसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रेड करना है। ऐसे ही कहीं कहीं पे मैं डार्क टोन्स ऐड करते जा रही हूँ। बीच बीच में आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सी मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ उसको टेक्सचर देने के लिए, थोड़े थोड़े से स्पॉट्स बना रही हूँ। मशरूम की स्टैम्प में ऐसे स्पॉट्स होते हैं, तो आप स्पॉट्स बना सकते हो, और वेरी लाइट लाइट लाइंस बनानी है आपको। जब वाटर कलर हम करते हैं आफ्टर सम टाइम 5-10 मिनट्स, वो और ड्राई हो जाते, जब ड्राई हो जाते हैं तो कलर्स थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली हमें थोड़े 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 डार्क कलर्स ऐड करते जाना होता है। सेम ऐसे ही मैं कर रही हूँ, अभी ड्राई होने के बाद वो थोड़ा सा लाइट हो गया, तो फिर मैंने रेड एंड ब्राउन कलर मिक्स करके उसमें और टोन्स ऐड करी हैं। ऐसे ही मैंने स्टैम्प में कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो थोड़े से स्पॉटिंग लाइन्स बना रही हूँ, ओके? इसी तरह हमें ग्राउंड बनाना है, मैंने वर्मिलियन ह्यू ऐड करा है, और ये ग्रीन सैप ग्रीन ऐड करा है, और आप वेडियन ग्रीन ऐड कर सकते हो। वेडियन ग्रीन सैप ग्रीन कलर ऐड करके, ओके, आपको ग्राउंड बनाना है। थोड़े से स्प्लैशेस दिए हैं मैंने फॉर द ड्रामेटिक इफेक्ट। आप जब ऐसे स्प्लैशेस देते हो ज़्यादा वाटर के साथ थोड़ा सा कलर, वो थोड़ा सा और अच्छा लगता है वाटर कलर में, ओके? तो आपको वो स्प्रेड करना है। फिर ब्राउन की अगेन स्पॉटिंग करी है मैंने, स्पॉट्स बनाए हैं। बस इसी तरह सेम ग्रीन के साथ मैं बैकग्राउंड में ग्रास लाइंस बना रही हूँ।
कहीं कहीं पे आप डार्क लाइंस बना सकते हो, कहीं पे थोड़ी लाइट लाइंस बना सकते हो, सो ये आप कहीं पे भी बना सकते हो। थोड़े से लाइट इफेक्ट देने के लिए, ग्रास लाइंस बनाने के लिए आप येलो ऑकर मिक्स कर सकते हो, येलो ऑकर इन ग्रीन। ओके, उसके साथ लाइट टोन्स आ जाएंगी एंड फिर बाद में आप थोड़ा सा ग्रीन कलर के डार्क ग्रासेस बना सकते हो। ओके, इसी तरह मैंने ये ग्रास कंप्लीट कर दिया बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा और डार्क टोन लेके ब्राउन एंड ग्रीन को मिक्स करके डार्क टोन्स में ग्रास बना रही हूँ। और छोटे छोटे ग्राउंड पे स्पॉट्स लाइंस, वो आप एक मैसी सा ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। पार्ट वन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको अलग अलग टाइप्स के मशरूम बनाना सीखना है तो पार्ट वन की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी पेंटिंग के रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, so I will solve your problem, whatever doubt you have. So I hope you like my video. Thanks for watching. Bye bye.